गई थी, उनका स्कूल है। और ये जो है ये इनका पंडाल है, माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा स्टेज सजाया था। और मुझे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुकून मिला, और मेरी सबने रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा की। और ये बच्चे घूम रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने मीठा खाया था और कज़न ने बांटा था सारे बच्चों में माशाल्लाह से। फ्रेंड्स, किसी शायर ने सही बोला है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं गई हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला और मेरी हर दुआ कबूल हुई। ये बेज मुझे गिफ्ट मिला था स्कूल वालों की तरफ से, और अभी चाय यानी आंटी ले रहे, मुझे सर में दर्द हो गया है, जब वो आई वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैं आई हुई थी कजन के स्कूल मिला पे, तो ये वहाँ पे थी मिठाई जो बच्चों में बांटी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये आ गई है चाय, अभी मैंने चाय पीनी है, और ये बिस्किट है और ये मीठा पड़ा हुआ है। मीठा तो मैं बिल्कुल ही कम खाती हूँ, बिस्किट की भी गारंटी नहीं, लेकिन मैं चाय ज़रूर पीऊँगी क्योंकि बिकॉज आई एम अ चाय लवर। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा काम है यूनिक, वो हम करने वाले हैं। और हमने ली है आज बैंगल चूड़ियाँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक ये वाली हैं और एक ये छोटी की ली थी, और छोटी ने कुछ पहनी भी हुई हैं, कुछ पहना दी थी उसको, कुछ ली थी, अभी टूट भी गई, अभी सिस्टर ने डांट लाए मैं आप लोगों को मजी। सो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कुछ बैंगल्स सजे। फिर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे पास ये इतनी सारी बैंगल्स है और मुझे मज़ीद चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जब जब न्यू डिज़ाइन आता है मैं लेती रहती हूँ। और ये देखें, ये मैंने कज़न की शादी में दिए हुए थे, और इनमें से कुछ गिफ्ट मिले हुए हैं, कुछ जो है मेरी खुद की हैं माशाल्लाह से। और ये तो कम ही है क्योंकि मुझे तो मज़ीद चाहिए, इतनी सी हैं, अभी मज़ीद लेनी है। फ्रेंड्स, आपको ये बैंगल्स जो हैं वो कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये देखें, बहुत सारी हैं माशाल्लाह से, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये बैंगल्स। और इसमें थे ये जो है वो सऊदीया का है, ये मैंने पहले पहना भी हुआ था, आप लोगों को दिखाया भी था। और ये ऐसे बहुत सारी पड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स, क्या मैं ये बैंगल्स अपने हाथों में पहन के आप लोगों को दिखाऊं? अगर ये चाहते हैं आप लोग तो मुझे ज़रूर बताना। और आज है हमको ईद मिलाद नबी की एक दावत शाम को, और 3 बजे, और शादी की भी दावत है, कल से शादी है, कल को हमको शादी की दावत है, कल परसों 2 दिन। तो मैं अगर गई तो आप लोगों को दिखाऊंगी अपना आउटफिट, या मैं कैसे जाऊंगी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ ज़मीन पर आज फिर से ज़मीन घूमने के लिए, तो माशाल्लाह से वेदर भी अच्छा बना हुआ है, हवा भी चल रही है माशाल्लाह से। ये फ्रेंड्स, नहर में पानी आया हुआ है, और आज शायद हमारी बारी थी इसलिए। फ्रेंड्स, आज हमने खाना नहीं पकाया था, मैंने आप लोगों को बताया था, सालन तो खैर पकाया था, रोटी थी तो मज़ीद नहीं पकाई, और बिरयानी मिलाद में हुई थी तो मेरे कज़न लोगों ने मिलाद किया हुआ था, तो वहाँ से बिरयानी लेके आई थी मेरी सिस्टर, तो इस वजह से ज़मीन में हम जितना जल्दी आना चाहते हैं लेकिन देरी हो ही जाती है, फिर भी हम आ गए हैं घूमने के लिए, मैं नहीं गई थी मिलाद में। फ्रेंड्स, ये देखें, ये नींबू के दरख्त हैं जो आग की वजह से जल के राख हो गए थे, वो वहाँ पे ईंटें पड़ी हुई हैं, जिन्होंने ईंटें पकवाई थी उनकी वजह से अब ये पूरे सूख गए हैं, और ये तो कम्प्लीटली निकलवा लिया, कम्प्लीट पूरा जल चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और वहाँ से भी वहाँ पे है नहर, वहाँ पे अभी पानी ऐड करना है।
फ्रेंड्स, तो अभी हम जमीन घूम के घर जा रहे हैं। ये आ गई है मेरी छोटी सिस्टर मेरे पास। आप लोग देख सकते हैं इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको है बुखार, तो अभी डॉक्टर को दिखाना है। अल्लाह पाक रहम करेगा, आप लोग भी इसके लिए दुआ करना, ये ठीक हो जाए। तो मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं आपकी सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।